आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? सर मैं आया हूँ चंडीगढ़ से। ये क्या ट्रेंड चला दी आज कल, ऐसी व्लॉग तो भाई लोगों ये रही अपनी सीट कवर वाला बिल्कुल ख़राब हो गया। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वैसे कैसे हो आप? तो भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो भाई ये रहा हमारा अगला दिन। तो भाई पिछले कल हम गए नहीं, शुरू से पिछले कल हम घर नहीं गए और आज हम जाने वाले भाई अपने घर। तो फिलहाल भाई टाइम बच गया 10:36, चलते हैं फिलहाल करते हैं भाई अपनी स्कूटी को कोल्ड स्टार्ट। फिलहाल भाई देखो इसकी स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, कार्बोरेटर आने से। और भाई ये रहे अपने नेक्स्ट पार्ट, जो कि अपने एक्सीडेंट से बाइक ले जा रहा हूँ क्योंकि फ्रंट चौकर 220 के। तो फिलहाल हमने भाई पैकिंग वगैरह कर दी है, अब चलते डायरेक्ट अपनी मंजिल की ओर। चलो भाई चलो भाई राम राम से, चलो राम राम से। तो भाई पहले हम जाने वाले हैं मनी माजर की ओर, चलते भाई। थोड़ा बहुत इसके काम रहेगी जैसे कि भाई सीट कवर और साथ ही साथ में ये वाले पैनल भाई पेंट करने की सोच रहा हूँ, बाकी देखते क्या होता है। चलते अभी टाइमली, देन भाई मिलते हैं अब आपसे डायरेक्ट आगे मनी माजरा में, क्योंकि आज की जो वीडियो ना भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो भाई लोगों सुबह सुबह टॉप स्पीड चेक कर ही जाए एक बार इसकी। लोगों फिर से हम आज पहुंच गए हैं मनी माजरा और भाई टाइम पता क्या हो गया, 11:21। चलो लो भाई अब पहुंच गए, पता करते हैं भाई इसके पार्ट्स के बारे में, किसी को लगाएंगे भाई हम। चलो तो भाई फिलहाल हमने यहाँ से लिए अपने लिए हैंडल ब्रेक, क्योंकि इसकी वाली भाई बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो चेंज करने के बाद भाई अब जाना है हमने सीट कवर वाले के पास, क्योंकि थोड़ी भाई सीट कवर फटी हुई थी उसको करते कुछ। देखते हैं भाई जो कितना खर्चा आएगा सीट कवर का। तो भाई वो है बॉम्बे मोटर वाले के पास जाएंगे, तो यहाँ पे शायद ऊपर चले जाएगा खर्चा, बाकी एक बार पूछते हैं भाई। सीट कवर बनाई थी इसकी, सीट कवर इसका कितना खर्चा है भाई? सीट कवर बनाई थी इसकी बन जाएगा कितना खर्चा? 350 रुपये। ओ भाई चलो भाई चलते यहाँ से। तो भाई सीट कवर के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं भाई, एक बार ना भाई करण ऑटोमोबाइल पे वापस जाकर वहाँ पर रेडीमेड जो इसकी आती है वो वाली सीट कवर पूछ लेते हैं, कि वो मेरे ख्याल से भाई सस्ती मिल जाती है, बाकी पता करते हैं। तो भाई लोगों ये रही अपनी सीट कवर। नो ब्रदर स्टेपलर नहीं करना, ऐसे लगाना है, ऐसे लगा लो। स्टेपलर करने की जरूरत होगी तो स्टेपलर भी कर लेना, वो बैक लाइट भी देख लेना, बैक लाइट में का ब्रेक लाइट हाँ वो पीछे जल नहीं रही है। चलो भाई सीट कवर होगी। तो भाई लोगों फिलहाल इसकी ब्रेक लाइट भाई वर्क नहीं कर रही है, एक बार उससे भी देख लेते हैं इसका बल्ब खराब है या क्या दिक्कत है। तो भाई ये बल्ब बिल्कुल ख़राब हुआ, नया बल्ब दिया हुआ ब्लैक हो गया। चलो लेकर ही आते इसको। तो भाई वो ये रहा न्यू बल्ब, ये हमारा पुराने वाला। चलो भाई चेक कर, वही फिलहाल अपने जो काम है ओवरऑल डन हो चुकी है। सीट कवर भी लग गई भाई, लाइट का काम भी हो गया। एक बार भाई लुक देख लो, चलते भाई अब टाइम भी चलते हैं।
भाई 12:06 यहीं पर हो गया अपने को, तो देखते भाई अब घर पर पहुँचे 7-8 बजे के आसपास ही पहुँचेंगे। चलो मित्रों, क्योंकि कल भाई हमने काम भी करना है। भाई लोगों एक बार ये देखिए, ये वाला एरिया भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो भाई एक बार व्यू देखो यहाँ का, और कितना ज़्यादा ट्रैफिक और कितने ज़्यादा लोग भी यहाँ पर। और भाई एक बात है, सीट एक नंबर है, बहुत ही प्यारा प्लेस है भाई। चलो तो भाई लोगों फ्यूल भरवा लेते हैं। चलो भाई लोगों 400 का पेट्रोल इसमें आ गया है, और अभी चलिए भाई ये 37,640 के आसपास। अब देखते भाई आगे। तो भाई हेलो भाई, देखो पता नहीं भाई 24 दिन से या पता नहीं भाई, बट भाई काफ़ी बड़े बिल मैंने आज देखे। तो भाई लोगों अभी हम पहुँचे भाई शोकी, और भाई यहाँ पर काफ़ी ठंड है भाई। अपना जो जैकेट है भाई उसे टाइम से निकाल देते हैं, क्योंकि भाई ठंड काफ़ी नेक्स्ट लेवल जैसी है। सो दोस्तों फिलहाल जैकेट हमने लगा लिया है, तो अब चलते हैं। अब भाई लंच भी करेंगे, बस शिमला पहुँचने ठंडी है। तो भाई फिलहाल अभी हम पहुँच गए शिमला, और भाई टाइम पता नहीं लगा 3:01 इस हिसाब से भाई हमें ठीक ठाक ही लग गया है। अब भाई सबसे पहले करने वाले हम लंच, देन भाई उसके बाद जाकर निकले कंटिन्यू। तो भाई ट्रैफिक ट्रैफिक 3 चौक से यहीं पर हो गए, दिल्ली चौक पर भी नहीं पहुँचे। चलो भाई, तो भाई फिलहाल दिल्ली तो पहुँच गए हैं, अब लंच करने का देखे भाई इधर ही इधर भूख लगती है भाई। बट यहाँ पर भाई पार्किंग भी बहुत मुश्किल मिलती है भाई। आगे है भाई ढाबा, बट भाई हम अपने वाहन को लगाए कहाँ, मेरी बात है मैंने यहाँ पे पार्क कर लेता हूँ अपनी, क्योंकि उसके बाद देखते भाई तो कुछ खा लेते हैं। फाइनली दोस्तों अपना जो लंच है वो हो चुका है, अब चलते हैं। तो भाई अभी मैं दिल्ली में एक बार अगर आपको टाइम दिखाऊँ तो भाई टाइम हो गया 3:54, तो इस हिसाब से भाई 4 फिलहाल हमें भाई यहीं पर बच गए, और 4:37 तो भाई 7 बजे के आसपास भाई हम पहुंच जाएंगे रामपुर शहर। दैन उसके बाद हमने भाई सबसे पहले DSLR देना है वहाँ पे ब्रदर को, उसके बाद जाकर निकलना है डायरेक्ट घर की ओर। और भाई कल सुबह का काम ये कि कल सुबह के लिए भाई हमने ये चौकस वगैरह है उसका सुबह काम करना है, दैन भाई निकलना है वापसी। तो भाई लोग एक बार आगे वाली बस में देखो क्या लिखा हुआ है, सरकारी है मगर नहीं पर सरकारी है पर जान से प्यारी है। भाई ग्लव्स लगाने का टाइम आ गया मेरे हिसाब से, ठंड काफ़ी ज़्यादा है भाई इधर। तो भाई लोगों ये लग गए अपने ग्लव्स, तो चलते भाई फिलहाल ऊपर से भाई हम बिल्कुल पैक है, बट भाई नीचे हम वाटर प्रूफ लोन नहीं लगाया ना, उस वजह से भाई ठंड जो है काफ़ी अच्छे से अंदर जा रही है। बाकी सब जगह से पैक है, बस भाई नीचे दिक्कत है। चलो भाई ये चेकिंग भाई कब होगी। पहले भी टक्कर मारी, फिर भी आप वैसे चले हैं, नंबर तो दे दो। चेक कर लो। हाँ जी,
देखो जी पोल्यूशन है। आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? सर मैं आया हूँ चंडीगढ़ से। ठीक है, ट्रेंड चला दिया आज भी। ब्लॉग वगैरह ब्लॉग लिखते हैं आप? बच्चा था एक, बाजू टूटी थी, हॉस्पिटल से आ रहे थे। हेलो, काफी लेट हो गया। चलो डॉक्यूमेंट चेक करा दी। चलो भाई चलते हैं, तो ठीक होकर थोड़ा ही आगे भाई चेकिंग चली थी, हमेशा रुक जाए। एक अंकल ने बोला कि भाई रुकने को, तो मैंने सोचा भाई चलो कोई बात नहीं, रुक लेते हैं। बस भाई दिक्कत एक ही है इसमें, क्यों इसमें SSR भी नंबर प्लेट है, बाकी सब डॉक्यूमेंट है। सो दोस्तों फिलहाल मैं सोचा था आपको एक बार ना भाई कैमरा दिखा देता हूँ, जो कि भाई हमने पिछले कल परचेज किया था। फिलहाल भाई ये है कैमरा, बैग के अंदर अपना कैमरा, तो आप देख सकते हो भाई निकॉन का कैमरा है विद कैमरा लेंस 70-300। तो एक बार भाई थोड़े बहुत पिक्चर क्लिक करते हैं, क्योंकि भाई कल मैंने जो थोड़े बहुत पिक्चर्स लिए थे वो कुछ ठीक से नहीं थे। तो एक बार भाई टेस्टिंग के लिए मैं आपके लिए पिक्चर्स ले देता हूँ। नहीं इधर, तो चलो भाई लेंस अपना जो है वो लग गया है, अब लेते हैं भाई थोड़ी बहुत पिक्चर्स। चलो भाई एक बार चलते हैं उस पॉइंट पे, देन लेते हैं भाई एक पिक्चर। हमने भाई ऑटो पे चला रखा हुआ है सब कुछ। तो भाई लोग नारकंडा पहुंच गए हैं, और रामपुर रहता है 66 किलोमीटर। तो भाई ठंड जो यहाँ पर है वो नेक्स्ट लेवल है, और भाई बाकी सब जगह ठीक है, बट पैरों में इतनी ठंड लग रही है कि क्या ही बोलूं। और भाई माइलेज भी सही है, हाफ टैंक हुआ है, तो इस हिसाब से भाई ठीक है। तो भाई लोगों थोड़ी बहुत बर्फ़ाई अभी यहाँ पर बची हुई है, बट भाई इस बार की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो भाई फ़िलहाल अभी हम पहुँचे थे भाई चेकर, और हानों को हमने दे दी थी भाई उसकी चैन स्प्रॉकेट जुड़िया क्लिक थी। फिलहाल टाइम हो गया 6:40 भाई, अभी यहाँ से रामपुर शहर 30 किलोमीटर। तो आज ऐसा करेंगे भाई, आज अपने जो है नीलू भाई उनके पास रुक जाएंगे, घर जाएंगे भाई कल सुबह, और कल ही काम कर लेंगे उस बाइक का भी, क्योंकि भाई अब थकावट भी बहुत होगी। एक तो भाई ट्रैफिक जो है वो अंधाधुंध था, और आपको पता है भाई स्कूटी के साथ थोड़ा बहुत सिस्टम ऐसा ही है। तो भाई लोगों फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं बद्राश, तो भाई ऐसा करते इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल और डाल देते हैं। तो भाई लोगों फ़िलहाल 200 का पेट्रोल हमने और डाल दिया, ऐसा ना हो जाए भाई कम हो जाए, क्योंकि भाई अभी हमने जाना है पहले रामपुर, देन भाई उसके बाद घर, पेट्रोल भाई भरना ज़रूरी है। चलो बिल्कुल भाई, और सर पहुँच के फिर हैं। हेलो सर, कैसे हो? टाइम क्या हुआ? कुछ खतरनाक हो रही है, ये देखो कितने हुआ टाइम, देखो दिख नहीं रहा।